सर अपना परिचय बता दें। संतोष कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चले। आज आप लोग गए थे एसपी साहब के यहाँ, क्या मामला था, क्या आश्वासन? एसपी साहब के हम लोग गए थे, कल बार में प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ पर ये न्यायालय संघर्ष समिति द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपना एक कह लीजिए धरना अपना दे रहे थे, और उसमें यहाँ कोतवाल साहब आकर ये बोले कि आप लोगों का ये बात अफसर के ऊपर जा रहा है, जो भी बोले हो। जैसा कि प्रस्ताव में बाद में उन्होंने यही बताया कि कोतवाल साहब हमारे साथ या जो वहाँ लोग बैठे हुए थे उनके साथ अभद्रता किए हैं, तो ये हुआ कि इसकी शिकायत जो है हम लोग एस पी साहब से करते हैं। फैन साहब से मिलने गए थे, क्या मामला था? कल हमारे आंदोलन को जो हमारे बार द्वारा कहा गया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं कर जब तक होती है तब तक बार अपना स्थगित करता है, लेकिन न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति अपना आंदोलन चलाती है और उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे महामंत्री जी हैं, ये पहले से हमारा डिसाइड था, हम जो है अपना आंदोलन चला रहे थे, न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति अपना आंदोलन चला रही थी। उसी दौरान इंस्पेक्टर चंदौली आए, उन्होंने धमकाते हुए यह कहा यह पानी सर से ऊपर हो गया है, अब आप लोगों का ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब समझ में आ जाएगा। अंदर कचहरी के प्रांगण में प्रवेश करके इस तरह की अमर्यादित भाषा विद्वान समाज के साथ करना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं था, जबकि हमारा आंदोलन बहुत ही संवैधानिक तरीके से चल रहा था, जो हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। न हम लाउडस्पीकर का प्रयोग कर रहे थे, न कुछ कर रहे थे, बस इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि हमारा दबाव बना रहे, हमारे जिले का विकास किसी तरह सुनिश्चित हो जाए, और हम किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन लगातार अगर धमकी देके दमनात्मक तरीके से हमारे आंदोलन को कुचला जाने का प्रयास किया जाएगा तो यह अधिवक्ता समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए इसकी शिकायत हम लोगों ने अपने अधीक्षक महोदय को दिया है, उन्होंने जाँच कर कार्रवाई करने का जो है हम लोगों को आश्वासन दिया है। कार्रवाई नहीं होने पे क्या करेंगे आप लोग? कार्रवाई नहीं होने पे तो फिर ये जो है हम फिर अपना आंदोलन तेज करेंगे और इनको बताएंगे कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर हमारी बातों में सच्चाई है। फुटेज की बात उन्होंने कहा है कि हम जांच करा लेते हैं, फुटेज चेक करवा लेते हैं, वहाँ गए होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, हमारे पास पूरा फुटेज मौजूद है।